हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली मार्कैंशियेसी एंड मार्कैंशिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको बता दूं कि अब हम इस तरीके से पढ़ेंगे और जो नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको नोटबुक्स में पढ़ाती हूँ, जैसे मैं आपको पहले नोट्स देती थी नोटबुक्स में, वैसे ही मैं आपको यहाँ पर भी दे रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अलग और वहाँ पे अलग। अगर इस टॉपिक को मैं नोटबुक में पढ़ाती तो मैं यही नोट्स देती आप लोगों को। ठीक है, तो आप ये नोट्स यूज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैमिली मार्कैंशियेसी के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो देखो, फैमिली मार्कैंशिया में जो मार्कैंशियेसी है उसमें 23 जनरा और 250 स्पीशीज हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है फैमिली मार्कैंशियेसी के मेंबर्स में, उसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं। देखो, रिस्कीएसी में कोई चैम्बर्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमको पता है ना, फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज जोन होता है। हमने डिस्कस किया था रिस्किया में, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है वहां पे बहुत सारे क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। और उन चैम्बर्स के अंदर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं। दिस चैम्बर हैज मेनी सिंपल और ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। क्या होता है कि जो ये चैम्बर्स होते हैं ये डॉर्सल सरफेस पे ओपन होते हैं। ठीक है, डॉर्सल सरफेस पे ओपन होते हैं। डॉर्सल सरफेस का मतलब होता है ऊपर वाली सरफेस। ठीक है, ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली होती है वेंट्रल वाली, थ्रू अ पोर। अब क्या होता है, यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इरेक्ट और स्टॉक्ड रिसेप्टिकल्स होते हैं। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधे होते हैं एक स्टॉक पे, और उसके ऊपर, उस स्टॉक के ऊपर क्या होते हैं, वो एक रिसेप्टिकल्स होते हैं। उसके उस स्टॉक के ऊपर क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, जिन रिसेप्टिकल्स में क्या होंगे, एंथ्रीडिया होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, उन रिसेप्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियोफोर या फिर एंथ्रीडियोफोर्स बोलेंगे। और जिन रिसेप्टिकल्स में क्या होंगे, आर्जिगोनिया होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, आर्जिगोनियोफोर्स बोलेंगे। ठीक है, ये हम आगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब है कि स्पोरोफाइट जो होता है यहाँ पे फुट सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है। देखो, जब फैमिली रिस्किएसी पड़ी थी वहां पे जो रिस्किया है, इस फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं कि इनमें ये सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। तो इनमें क्या था कि फुट फुट नहीं था, सीटा नहीं था, सिर्फ कैप्सूल था। हम उसको कैप्सूल से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो स्पोरोफाइट है उसको फुट सीटा कैप्सूल तीनों में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि कैप्सूल क्या करता है, स्पोर्स तो बियर करता ही करता है, साथ में क्या होता है कि हमेशा जो मार्कैंशियेसी, जो फैमिली मार्कैंशियेसी है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि कैप्सूल में स्पोर्स तो होंगे ही होंगे। क्या होंगे, स्पोर्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन क्या होंगे, साथ में हमेशा वहां पे इलेटर्स प्रेजेंट होंगे। इलेटर्स क्या होते हैं, स्टरलाइज सेल्स जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेटर्स बोलते हैं। स्टरलाइज सेल्स मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, वो होते हैं। तो ये थे फैमिली मार्कैंशियेसी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आप नोट्स को जो है नोट डाउन कर लो, मैं जो भी मैंने मार्क्स लगाए हैं उनको रिमूव करो ताकि इजीली आप क्या कर सको, इनको नोट कर सको, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब फैमिली, सॉरी, इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्कैंशियेसी के करेक्टर्स। ठीक है, कभी भी अगर आता है मार्कैंशिया तो आप ये जरूर बताओगे कि वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, और अगर हो सके तो वहां पे जनरल करेक्टर्स भी मार्कैंशियेसी, सो जो फैमिली मार्कैंशियेसी है उसके भी आप थोड़े करेक्टर्स जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़े अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने सारे मार्क्स हटा दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोटबुक में लिख लो। तो दूसरा है हमारे पास जो है ये है मार्कैंशिया। है क्या है, मार्कैंशिया। ठीक है, तो मार्कैंशिया का सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन दोगे, तो मार्कैंशिया जो है वो क्लास हिपेटोकॉप्सिडा, ऑर्डर मार्कैंशियल्स और फैमिली मार्कैंशियेसी। तो जो ये क्लास हिपेटोकॉप्सिडा और ऑर्डर मार्कैंशियल्स है, इनके जनरल कैरेक्टर्स मैं आपको ऑलरेडी जो है जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आपको ये बता दिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है मैंने, वहां पे जाके आप हिपेटोकॉप्सिडा और मार्कैंशियल्स के जनरल कैरेक्टर्स देख सकते हैं। और मार्कैंशियेसी के तो अभी हमने पढ़ लिए, तो ये क्या है, इसका पूरा क्लासिफिकेशन है। उसके बाद जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे मार्कैंशिया के, तो इसमें पूरे 65
स्पीशीज है, मार्केंडेय की कितनी है, 65 स्पीशीज है, प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह प्रेजेंट होती है। और जनरली ये क्या होती है, कूल मॉइस्ट जहाँ पे थोड़ी सी नमी होती है और शेडी प्लेस जहाँ पे थोड़ी छाया होती है वहां पे क्या होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इनकी क्या होती है, बॉडी इनकी होती है थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब होता है जब बॉडी रूट शूट स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं होगी। हमें पता है रिस्किया का भी थैलस जो है वो थैलॉइडी है और ये भी थैलॉइडी है। थैलस जो है वो डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है कि जहां पे थैलस में डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट होते हैं, ठीक है, फ्लैट होता है, बिल्कुल स्टिक रहता है सरफेस से। उसके बाद है डाइकॉट मसली ब्रांच्ड। डाइकॉट मसली ब्रांच का मतलब होता है कि जब थैलस में क्या होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच जो है वो अपना एक इंडिपेंडेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहती, ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज होता है, रिस्किया में भी था ऐसा ही। अब क्या है कि मार्केंशिया की एक स्पीशी है मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, यहाँ पे क्या होता है, ये जो होते हैं दे ग्रो एज अ पाइनियर इन द बर्न सॉइल आफ्टर द फॉरेस्ट फायर। जब जंगलों में आग लग जाती है ना, फॉरेस्ट फायर हो जाती है, उसके बाद सॉइल में सबसे पहले यही जो स्पीशी है मार्केंशिया की, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, यही ग्रो करती है, ठीक है, यही ग्रो करती है, ये ऐसा पाइनियर ग्रो करती है। पाइनियर का मतलब ये होता है कि किसी एक जगह पे सबसे पहले जिस इंडिविजुअल ने उस जगह को डोमिनेट करा है, उससे पहले कोई नहीं आया वहां पे, ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद क्या होता है कि जनरेशन आगे बढ़ती है और जो ये पाइनियर होता है ये क्या करता है, सक्सीडिंग जनरेशन की हेल्प करता है, ठीक है। ये जो मार्केंशिया की, जो ये मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा जो ये स्पीशी है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह वर्ल्ड में और जनरली 2500 से 5000 मीटर जब तक जो है वहां पे आपको मिल जाती है, इन रिवर बैंक्स, ऑन मॉइस्ट रिवर बैंक्स एंड रॉक्स, ठीक है। अब होता है कि जो स्पीशीज होती है ना मार्केंशिया की, वो हमको कश्मीर, कुमाऊं, बंगाल और असम में मिलती है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद क्या है कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो क्यों करती है, क्योंकि ये एक ब्रायोफाइट है, मतलब क्या होता है, एक बार गैमेटोफाइट होता है, एक बार यहाँ पे स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, तो मैं यहाँ पे भी मार्क्स आपको सब रिमूव कर देती हूँ ताकि इजीली आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं मार्केंशिया का जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसका स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे, फोटोसिंथेटिक रीजन, वो सारा मैं आपको वहां पे बताऊंगी, ठीक है, तो आप इसको लिख लेना, मैं हटा रही हूँ मार्क्स को ताकि ईजी हो जाए आपको, ठीक है। इतने तो करेक्टर्स आपको लिखने ही पड़ेंगे अगर मार्केंशिया से रिलेटेड कुछ भी आता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, तो थैंक यू, आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहना, थैंक यू।